डेजर्ट, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, मैं तो अभी पैदा भी नहीं हुआ हूँ। वो देख रहे हैं, वो वहाँ पर, वो एक ऊंची सी पहाड़ी है घाटी के बीच में। यहाँ जिंदा रहने के लिए बहुत हिम्मत और हालात के मुताबिक ढलना आना चाहिए। ढलो या मरो, इसलिए हमने अपने लिए ये घर बनाया है। ये सिर्फ हमें अंदर रखता है और उन सबको बाहर रखता है जो हम में से एक नहीं है। यहाँ बहुत दूर दूर तक पानी का और कोई तालाब नहीं है और ये सिर्फ हमारा है। यहाँ सिर्फ ज़ेब्रे हैं, लेकिन मेरे आने के बाद सब कुछ बदल गया। बॉल कहाँ गई? तुम्हारा निशाना ठीक नहीं लग रहा। तुम लोग हर वक्त ऐसे ही करते हो। वाह, अच्छी किक थी। वक्त आ गया है। वक्त आ गया। वक्त आ गया। सैको कहाँ है? आए सैको। सैको सैको सैको। आए सैको। सैको सैको। बॉल आ गई। शूट करो। गोल! कहाँ भागे जा रहे हो? सैको कहाँ? सिम्बा तो बड़ा स्मार्ट है। और एक मेरा भाई है, एकदम बेवकूफ। सही कहा। पता नहीं मुझे कभी ऐसा साथी मिलेगा या नहीं। रुको, देखो वो आ रहा है, तुम्हारा साथी। हेलो नाइजल, सुकी को लगता है कि तुम बहुत प्यारे हो। क्योंकि मैं भागता हूँ। वक्त आ गया, ऐसी तो गाय पागल हो गया। लूंगी सब लाने, लूंगी सब तैयार। देखो जल्दी चलो, वक्त आ गया है। मेरा बच्चा, ये मेरा बेटा है। इतना प्यारा बच्चा है। ये तो ठीक नहीं है। क्या धारियां? अरे इस पर तो धारियां ही नहीं है। ये क्या बात है? ये तो अजीब है। मैंने कभी नहीं देखा। और ये बात मुझे पसंद। उनकी बात मत सुनो। लुंगीसा, तुम जीतो। डैडी, ये सब क्या है? हाँ? बहुत फनी लगता है, लेकिन मुझे पसंद है। ऐसे आधे ज़ेब्रा को भला क्या कहते हैं? ज़ीब, ज़ीब? तुम आधे ज़ेब्रा नहीं हो बेटा, तुम्हारा नाम है खुम्बा। हमारा बेटा खुम्बा। ये तो बढ़िया है। इस पर तो धारियां ही नहीं है।
हाँ, इस पर धारिया नहीं है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये एक अपशकुन है। धारिया नहीं तो बारिश नहीं। तुम्हारी सांस इतनी क्यों फूली हुई है? दौड़ रहा हूँ ना इसलिए। टॉमी, मुझे लगा तुम्हारी रफ्तार सबसे तेज है। मेरी बस अकेले तेज है। ये तुम तो एक लड़की से हार गए। चलो पानी पी ले। ये रुको टॉमी, रुक जाओ रुक जाओ, बहुत दौड़ लिया। क्या हो गया? बस हार गए। तुम उनकी बातों की परवाह क्यों करते हो? मैं नहीं करता। देखो, मैं उनके साथ कभी नहीं मिलूंगी। नहीं, इसके बजाय तो मैं यही रहना पसंद करूंगी। आ जाओ खूंबा, तुम मुझसे जीतना नहीं चाहोगे क्या? तुमसे जीत कर क्या मिलेगा? चाहे खूंबा का दोष हो या ना हो, अगर जल्दी ही बारिश ना हुई तो हमें यहाँ से जाना होगा, कहीं और किस्मत आजमानी होगी। बहुत बढ़िया, एक्सरसाइज करते रहो। ओके, मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा लेकिन तुम लोग करते रहो। अब हालात बदल गए हैं। मैं बस तुम पर नजर रखूंगा, ठीक है? कोई सुस्ती नजर नहीं आनी चाहिए। चीजें बहुत बदली हुई दिख रही है। सावधान रहो, अब अपनी गर्दन को मोड़ो। बहुत बढ़िया मकुलू, जब तक बारिश नहीं होती शायद हमें पानी की राशनिंग करनी पड़ेगी। अच्छा मजाक करते हो, आइडिया अच्छा है सेको। जब तक बारिश नहीं आती हम दिन में सिर्फ एक बार पानी पिएंगे। तो सब लोग तैयार हैं? थेम्बा थेम्बा चलता फिरता खम्बा, अगर तुम्हें है दम जम के रखो कदम। अभी देखना मैं इसे कैसे चढ़ाता हूँ। मेरी तो धारिया ही नहीं है। पता नहीं खुद को समझते क्या है। ये ज़ेब्रा है, सोच कर शर्म आती है। बताओ धारिया कब आएंगी? उड़ा लो मजा, मैं भी नहीं भूलूंगा। चलो एक काम करो, कीचड़ से ही धारिया बना लो। उसका दिल तोड़कर क्या मिला तुम्हें? इस सबसे क्या लेना देना बहना, तुम अपनी सहेलियों के साथ मजे करो। ये खुद ही सबका सामना करना सीख जाएगा। हम उसे बचाने के लिए हमेशा यहाँ नहीं होंगे। जिसको जो भी समझना है समझता रहे। भले ही मैं आधा ज़ेब्रा हूं लेकिन गधा तो नहीं हूं ना। ये कोई नक्शा है क्या? क्या है ये? खुम्बा, तुम ठीक तो हो? खुम्बा, जो कुछ हुआ मुझे उसका अफसोस है। पता नहीं, शायद इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मेरी वजह से ही सूखा पड़ा है। पागल हो गए हो क्या? किसी एक ज़ेब्रा की वजह से सारा पानी गायब हो सकता है क्या? आधा ज़ेब्रा, ऐसा मत सोचो। मुझे लगा तुम बाकी सब जैसे नहीं हो। तुम मुझे यहाँ खुश करने आई हो? नहीं खुम्बा, मैं कोशिश भी मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? तुम्हें क्या लगता है मुसीबतें सिर्फ तुम अकेले ही झेल रहे हो?
वो हमें यहाँ नहीं आने देंगे। लेकिन पूछने में क्या हर्ज है? हेलो, आप हमारी मदद करेंगे? बस बारिश करवाने को नहीं कहना, हमारी हकीम को पानी चाहिए, वो बहुत कमजोर हो गई है। अरे तुम ठीक से नहीं कर रहे हो। पता नहीं मुझे बाहर वालों से बात करने की इजाजत भी है या नहीं। बाहर वाले? हम तो ज़ेबरों के साथ ही रहा करते थे। क्या कह रही हो, हम साथ रहा करते थे? यहीं पर। ठीक है, तो तुम मेरे हिस्से का पानी ले लो। मेरे कहने का मतलब था कि सिर्फ तुम, चलो आप दोनों भी। तुम बड़े दयालु हो। वो, ये कौन सी जगह है? इस बाड़ के बाहर एक बड़ी सी दुनिया है। वाओ। माफ करना। तुम सब यहाँ आए कैसे? यकीन नहीं हो रहा। मदद की जरूरत थी तो मुझे लगा मदद करनी चाहिए। अच्छा, तो तुमने इन्हें अंदर आने दिया, अब समझा। मेरे बेटे को कुछ कहने की जरूरत नहीं था वो। लेकिन तुम यहाँ आए क्यों? इसे प्यास लगी है। ये पानी का तालाब ज़ेबरों का है। लेकिन ये जमीन तो हम सबकी है। असल में ये यहाँ इतने लंबे समय से हैं कि इस बात को भूल ही गए हैं। मुझे तो सुबह की बात भी याद नहीं रही। इस तरफ चलो, हमें इस खाली जगह को बंद करना होगा। मुझे उसकी सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही है। ओ, तो ये तुम हो? कब तक इन्हें मुझसे छुपा कर रखोगे मकौलू? ओह नो, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है, खाने में मजा आएगा। उसने क्या कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तब तो बाहर आओगे ना। लेकिन उससे पहले कोई तुम्हें ही अंदर ले आएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम यहाँ सुरक्षित हैं। शांत रहो। हम सुरक्षित हैं? इनका मतलब है कि हम सुरक्षित हैं? मैं बस ये जानना चाहता था कि हम सुरक्षित हैं ना? खुम्बा, तुमने झुंड को खतरे में डाला है। अगले एक हफ्ते तक तुम अपने हिस्से का सिर्फ आधा पानी पियोगे। आधे ज़ेबरा के लिए आधा पानी। डैड, उसे मदद चाहिए थी, वो बीमार थी मॉम की तरह। मुझे कुछ नहीं सुनना। For you, Mama. तुम खा लो, ताकत तो आपको भी चाहिए, खा लो इसे। तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो। वो कहां मैं कहां, मैं आप दोनों जैसा ही नहीं हूँ। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा नाम खुम्बा क्यों रखा? क्योंकि खुम्बा का मतलब होता है खाल। खाल? कहते हैं कि इस धरती पर आने वाले सबसे पहले ज़ेबरों की खाल बिल्कुल एक समान एक रंग की थी। उन पर धारियाँ बिल्कुल नहीं थी। धारियाँ नहीं थी? एक दिन एक जवान और हिम्मती ज़ेबरा विशाल करू के सफर पर निकला।
और एक बड़े से पहाड़ के अंदर उसे एक तालाब मिला, एक जादुई तालाब। वो उसमें तैरा और जब बाहर आया तो उसकी खाल पर धारियां थी। सभी जेब्रे उसकी खूबसूरत खाल की तारीफ किया करते थे और उसे सबसे अलग होने का गर्व था। लेकिन फिर उन सभी को उसके जैसे बनने की चाहत पैदा हुई, तो एक एक करके वो उस जादुई तालाब में तैरे और जब वो बाहर आए तो उन सभी की खाल पर धारियां थी। तो अगर मुझे धारियां मिल जाए तो बारिश हो जाएगी। आगे तो ये तालाब कहाँ है? कहानी खत्म नहीं हुई है। शायद मुझे पता है। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये तो बिल्कुल मेरे ही जैसा है और ये शायद तीन पहाड़ी चोटियां हैं और ये तालाब होगा, यानी ये जादुई तालाब का नक्शा है। आप कैसे हैं? अलग महसूस कर रहे हैं? अजीब सा, खुद को अजनबी पा रहे हैं। मैंने सही कहा ना? बताओ बताओ। इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, आपकी मदद करने के लिए। मेरा नाम है स्कॉल्क। आपका शुक्रिया स्कॉल्क, लेकिन शायद आप मेरी मुश्किल धारियां चाहिए, लेकिन तुम्हें लगता है कि दुनिया में धारियां पाने का कोई रास्ता नहीं। मैंने ठीक कहा ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? मैं ठीक कह रहा हूँ। गलत कहा, मुझे मेरी धारियां जादुई तालाब में मिलेंगी। जादुई तालाब में? हाँ हाँ बिल्कुल, जादुई तालाब में, क्यों नहीं। हाँ बस यही नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है। रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारी सारी मुश्किलों का हल है। मेरे पास 100% कुदरती और जादुई फॉर्मूला मौजूद है, उससे तुम्हारी खाल पर कुदरती धारियां आ जाएंगी। सच में? रुको, तुम क्या सोच रहे हो? मैं जानता हूँ यही ना कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये तो इस पत्थर पर भी काम करता है। देखो इसमें धारियां दिख रही है ना, लेकिन अगर तुम फिर भी करू तक जाना चाहते ही हो तो वो तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये फॉर्मूला काम कैसे करता है, ये तो दिखाओ। मेरे साथ आ जाओ। खुम्बा, जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे बहुत खुम्बा, तो क्या मुझे भी ये जादुई कुदरती फॉर्मूला मिल जाएगा? जरूर, वैसे तो ये चीज मिलना बहुत ही मुश्किल होती है, पर फिलहाल ये जादुई फॉर्मूला तुम्हें बहुत ही कम दाम में मिल जाएगा। बस तुम मुझे और मेरे दोस्तों को थोड़ा पानी दिला दो। मेरे पास तो पानी नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारे झुंड के पास इतना पानी है कि तुम उसे मुझे दे सकते हो। मैंने उनकी गीली मूंछें खुद अपनी आँखों से देखी हैं। जरा कोशिश करके तो देखो। मेरी जान को खतरा हो जाएगा, इस वक्त वो मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते है। स्कॉल्क, इस तरफ आ जाओ। तुम्हें
धारियां चाहिए ना गुड इवनिंग मैडम जी, इतनी अच्छी शाम को आपसे मुलाकात, मेरे मतलब की मुलाकात हो गई, अच्छा लगा। अरे आपका ये डस्टर तो बड़े अच्छे पंखों से बना हुआ है। मैं सफाई करने का डस्टर नहीं हूँ बेवकूफ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। याद नहीं पिछली बार किसी ज़ीब्रा को बाढ़ के बाहर कब देखा था? क्या तुमने सुना इसने मेरे पंखों के बारे में क्या कहा? ऐसे अच्छा सबक सिखाओ मामा भी। लेकिन मैंने तो अभी तक आपको कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। तुम्हारी मॉम को मालूम है कि तुम यहाँ अकेले आए हो? मेरी मॉम तो नहीं रही, सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं इसका ध्यान रखने की कोशिश कर रहा था। स्कल्क अपने कुदरती फॉर्मूला से मेरी धारियां लाने में मदद करेंगे। मैं समझ गया कि तुम क्या सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो इस सौदे को निपटवाने में मैं मदद करूं उसका। डिनर के दौरान निपटा देते हैं। ये खाना नहीं है, ये पानी का बंदोबस्त है। समझने की कोशिश करो दोस्तों, इसके जरिए हमें ढेर सारा पानी मिलेगा जो सिर्फ ज़ीब्रा पीते हैं। तो ब्रैडली तुम भी बेटा, लगता है हमें इन कुत्तों से लड़ाई लड़नी होगी। हाँ, तुम्हें यह आ सकता है, माफ करना मैंने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की। अपनी टांगे बचा कर रखो, शायद हम में से कुछ की जान नहीं बचेगी। ब्रैडली मैं अपनी धारियां लाने जा रहा हूँ, मुझे जादुई तालाब में तैरना है। जादुई तालाब, वैसे मुझे इतनी प्यास लगी है कि कैसा भी तालाब चलेगा, है ना मम्मा? ये तालाब आखिर है कहाँ? वहीं जहाँ मैंटिस ने बताया था। मैंटिस ने? उसने तुमसे बात की? उसने मेरे लिए एक नक्शा बनाया था। वैसे मैंने भी मैंटिस को एक बार देखा था, उसने मेरे पंखों की बड़ी तारीफ की थी। हो सकता है ये वो वाला मैंटिस ना हो। ओके, वो एक कीड़ा है, जो भी हो बात यह है उसे मेरे पंख। इसका पैर पकड़ लो, वही इसकी कमजोरी है। इसके चार पैर। बहुत हुआ, अब दिखाती हूँ अपना कमाल। वहाँ जाओ मामा भी, और अपना बाया पैर ऊपर रखो। रुको, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, मेरा तुम्हारे साथ पहले भी पंगा हो चुका है ना। शानदार, मजेदार, दमदार, और ये मामावी का स्कोर हुआ एक, और कुत्तों का स्कोर हुआ जीरो। थैंक्स, अगर तुम ना होते तो ये मुझे कब का मारकर खा गए होते। मामावी हमेशा ही दबे कुचले, निराश और हारे हुओं की मदद करती है। शुतुरमुर्गों की थी। हाँ? अच्छा खुम्बा, तुम पानी के तालाब की तलाश में जा रहे हो। हाँ, और अगर आप साथ में चलेंगी तो और भी अच्छा रहेगा। वैसे अगर तुम सिर्फ इतना बता दो कि वो कहाँ है तो अच्छा रहेगा। वो कहते हैं ना कि तीन तिगड़ा काम बिगाड़ा, इसलिए मैं सोच रहा था कि जुबान को लगाम दो। अच्छा, तो उस तालाब में पानी है ना? अब ये झूठ थोड़े ही बोलेगा। और क्या वो बात भी सच है, वो जादुई तालाब वाली बात? मैंटिस ने घाट घाट का पानी पिया है। तो वो करू के चप्पे चप्पे को जानता है। अच्छा, और उसने ज़ीब्रा को इस काम के लिए खास वजह से चुना होगा। अगर हो गया तो क्या इसे अलविदा कह दें? तुम चल रहे हो ना? जहाँ तुम मामावी, वहाँ मैं भी। तो फिर सफर का इंतजाम करो और तैयारी में कोई कमी न रह जाए। खुम्बा, खुम्बा, टोम्बी, वो चला गया यहाँ से। पर ये क्या? मैं उसे ढूंढती हूँ, मुझे लगता है वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उसके खुरों के निशान देखे तो। रुको, हमें तुम जैसे बहादुर ज़ीब्रा चाहिए टोम्बी, इसलिए तुम यहीं रुको, ठीक है? मंजूर? मंजूर। समझ नहीं आ रहा क्यों, शायद तुम लोग कभी बात को ठीक से समझ नहीं पाते हो। वाह, क्या हेयर स्टाइल है, खुद बनाया। किसी झाड़ी में घुस गए थे क्या? नाच क्यों रहे हो, शांति से खाने दोगे? तुमने ये कब फैसला किया था कि उस ज़ीब्रा की दावत उड़ाई जाए? वो फैसला तो मेरे शातिर दिमाग में पहले ही कर लिया था, मैंने सोचा था कि हम सब मिलजुल कर उसे खाएंगे। अच्छा,
चलो मान लिया, लेकिन मेहनत तुम करोगे। हम सब तो मिलकर काम करते हैं ना। कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ स्कार्क? तुम्हें तुम्हारे झुंड ने छोड़ दिया? नहीं नहीं बैंगो, मैं तो बस यहाँ पानी ही पीने आया था। लेकिन तो पानी भी नहीं, ये तो कीचड़ है। लेकिन ये फिर भी आपका ही है, बस मेरी जान बख्श दो प्लीज। तुम्हें क्यों छोड़ूं? एक वजह बताओ, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। देखिए जनाब, आप खाने के मामले में बहुत ही पारखी हैं। जैसे आपकी शान, वैसे ही आपका खान पान। क्यों? अगर मैं आपको एकदम ताजा शानदार मांस ला दूं तो? जिसका दिल अब भी धड़क रहा हो। अगर मैं आपको एक जीब्रा की दावत करा दूं तो? वैसे वो आधा जीब्रा दिखता है क्योंकि उस पर आधी धारियां है। जीब्रा जैसी खुशबू आती है। आधी धारियों वाला, इसके बारे में मुझे बताया गया था। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। मुझे पता था उसमें कुछ ना कुछ खास है। वैसे भी जनाब, धारियां हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? अरे तुम तो दूसरों की जूठन खाते हो। तुम क्या जानो उसमें क्या खासियत है? जनाब मैंने तो जिंदगी में कभी भरपूर खाया भी नहीं है। मेरी जान छोड़ दो। वो है कहाँ? उस पर हमला हुआ था, उसे जंगली वाइल्ड बीस्ट और बावले शुतुर मुर्ग ने मार डाला। दिखाओ मुझे। करू में पैदल चलना कितना मुश्किल काम है। पता चल गया, पीने को एक बूंद पानी नहीं मिल रहा, इसलिए मुश्किल और बढ़ गई है। अगर यहाँ अचानक फैंगो आ गया तो क्या होगा? इसे इस तरह मत डराओ ब्रैडली। कोई बात नहीं। क्या तुम्हें पता है वो अपने शिकार को जिंदा खा जाता है? और शिकार को इस तरह डरा कर रखने से ही उसे इतनी ताकत मिलती है जितनी किसी और को नहीं मिलती। बहुत हुआ ब्रैडली। चलते चलते थक गए हैं, यहाँ आराम कर लेते हैं। ओ, एक आर्टिस्ट को कितनी एड़ियां घिसनी पड़ती हैं। तुम्हारा कोई घर नहीं है? ये अच्छा सवाल है। मैं खेतों में रहा करता था, लेकिन अगर मेरे जैसा कलाकार हो जिसके पास शानदार कला हो, कोई उसे ना समझे तो क्या करे? लोगों ने सताया, ताने कसे, कोई कला को ना समझे तो हम कहाँ जाकर बसे? अब तुम ही बोलो हम क्या करें। और सुनो, कोई बात नहीं, मैं बना रहूंगा कलाकार चाहे दुनिया हंसे तो हंसे। पर कितना जरूर ये प्यार है मेरे यार, बार बार लगातार। शब तो सही चुन लिया करो। फिर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि मैं पहुंचा अस्पताल। डॉक्टर ने कहा the end, that is all. The end, that is all. मेरा मजाक उड़ाया गया, मेरी परवाह ना की। Oof, what a tragedy. उड़ा लो मजाक और उड़ा लो मजाक, लेकिन मैं बना रहूंगा अलाकार। कुछ परिंदे पिंजरे में रहने के लिए नहीं बने होते। हाँ? ब्रैडली? और शायद कुछ परिंदे आजाद रहने के लिए नहीं। और तुम मामा भी कुछ अपने बारे में भी बताओ। देखो मैं कहाँ से आई हूँ ये बताना जरूरी नहीं है। पुरानी बातों को छोड़ो ना मामा भी, आने वाले कल की तरफ देखो। ठीक कहा ना मामा भी? कभी कभी अतीत को भूल जाना ही ठीक होता है। मेरे ख्याल से अब हमें सोना चाहिए। गुड नाइट ब्रैडली। गुड नाइट मम्मा वी। गुड नाइट खुम्बा। गुड नाइट। शायद कल हमें एक तालाब मिल जाए जो सुरक्षित हो। कुत्ते 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 हर कहीं इन्हीं की बदबू है। जनाब मेरे पास उसका इलाज है। मेरे पास जड़ी बूटी और फूलों का एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको भी दे सकता हूँ। उससे सारी बदबू खत्म हो जाती है, चाहे वो कुत्ता हो या बिल्ली हो या कुत्ता हो। चाहते हो? नहीं, मैं बचने की कोशिश कर रहा था। बेशक यहाँ कुत्तों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं कुत्ता खाने लगूं। मुझे कुछ और सोचना होगा।
नहीं, कुम्भा का पूरा करूं, मुझे एक जैसा ही लगता है। हम इस झाड़ी के पास से गुजर नहीं चुके है? ये तो नक्शे पर थी, है ना? हाँ, मुझे लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। सही रास्ते पर चलना, क्योंकि गर्मी की वजह से मेरी हालत खराब हो गई है। ये क्या, मुझे गुदगुदी हो रही है। अच्छा, तुम इसे खाओगे क्या? हाँ, मुझे तो अभी तक नाश्ते की डकारें आ रही है। काश टॉमी यहाँ होती। ब्रैडली, उसे मत खाना। मैंने मना किया था ना। हे, नक्शे में यही तीन पहाड़ी चोटियाँ थी। चलो ब्रैडली, चलते हैं। इतना गंदा स्वाद था इसका। मैंने उसे यही कहीं देखा था। यहाँ तीन चोटियाँ थी और मेरे ख्याल से हमारा वक्त बर्बाद करना बंद करो टॉमी। यहाँ नाइजल, मुझे बता, मैं कर दूँगा। नाइजल, तुम्हें नक्शा मिला? हाँ मिला, नहीं मिला। तुम्हें यकीन है कि वो एक नक्शा था टॉमी? हाँ, और शायद खुम्बा वही जा रहा होगा। आवाज सुनी, ससुराल की तंगल, और फिर से बाढ़ के पास आ गया। खुम्बा, मेरी मदद करो, सेको आ गया। उसने बाढ़ को पार कर लिया, वो सोच क्या रहा था? मैंने खुम्बा के खोरों का पीछा किया, वो एक सूखी नदी में जा रहे थे। शायद वो फैंगो का शिकार हो गया। तो क्या फैंगो उसे पूरा खा गया? फैंगो कुछ छोड़ता ही नहीं है। तो खुम्बा मारा जा चुका है? ये भी तो हो सकता है कि वो मरा ना हो, वो जिंदा हो और नक्शे वाली जगह पर जा रहा हो। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा लाल, बेवजह नहीं मरा। पर मकुलो, सेको रुको, अभी से हिम्मत मत हारो। आज का दिन दुख भरा है, बहुत दुख भरा, लेकिन मुकुलू ने सही कहा, अब बारिश हो जाएगी। डैडी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? सब लोग ये सोच रहे हैं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ। सही है ना? सही कहा डैड। क्रॉसिंग मुझे रुकना बिल्कुल पसंद नहीं है। इतनी जल्दी में क्यों हो तुम लोग? माइग्रेशन सीजन शुरू हो गया क्या? नहीं, ये इमिग्रेशन हो रहा है। उसके कहने का मतलब है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। मुझे लगा इसका नाम कूस है। नहीं नहीं, कूस तो ये है। कूस नहीं हूँ मैं, तो फ्रिकी हूँ। मैं हूँ कूस और मैं फंसा हुआ हूँ। आप हमें इसके पार जाने में मदद करोगे? ये काम आसान तो नहीं होगा कैप्टन। मैं ये तो गया। सब सुनो, यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है।
टक्कर। ये क्या होती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तुम भी आओ। क्या मैं? हाँ, तुम पीछे आओ फ्रिकी के। मैं फ्रिकी नहीं हूँ। मैं फ्रिकी हूँ। चलो अपना इमिग्रेशन जारी रखते हैं। हाँ, हमें तो यहाँ से जाना है ना। बिल्कुल, तो फिर इंतजार किसका? चलो चलते हैं। लोग जा क्यों रहे हो? हम बेहतर चरागाहों की खोज में जा रहे हैं। फ्रिकी, मैं हूँ फ्रिकी। तुम बाईं तरफ जाओ। बेचारा सखी, कल उसके भाई को फेंगो ने खा लिया। मुझे नहीं, पर्सी को खाया। और मैं जिंदा हूँ। लेकिन पर्सी वो था। और पर्सी मर चुका है। मैं जिंदा हूँ। बकवास बंद करो, सब झुको, बचो, एकदम सच जाओ। हमला। अरे वाह, देखी हमारी जबरदस्त ताकत। हे पारसी, तुम जिंदा हो? बिल्कुल। अरे वाह, मजा आ गया। सुनो फ्रिकी, मैं हूँ फ्रिकी। मुझे पहचानते नहीं हो क्या? बाय, फिर मिलते हैं। तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? बाय। पारसी, तुम जिंदा हो ये जानकर बहुत खुशी हुई। हाँ, मुझे भी ये जानकर खुशी हुई कि मैं जिंदा हूँ। हम सबके लिए भी थोड़ा पानी छोड़ दो। तुमने मेरे बालों में कीचड़ लगा दिया। तुमने इसके बालों में कीचड़ क्यों लगाया? तुम्हारे बालों में भी कीचड़ लगा दूं? लगा सकता हूँ। मत करो, मकुरू कहाँ है? ये सब क्या बकवास? असल में यहाँ पानी बहुत कम है। लेकिन ये पानी खत्म किसने किया? मैं सब संभाल लूंगा मकुरू, यहाँ की जिम्मेदारी मुझ पर है। सबको अपने हिस्से का पानी पीना चाहिए। क्यों, क्या हो गया? इतनी जोर से नहीं मारना चाहिए, समझे? तुम नाइजल को परेशान कर रहे हो। डैडी, तालाब में पानी खत्म हो गया है। खुम्बा की धारियों का बारिश से कोई लेना देना नहीं है। हमें यहाँ से जाना होगा। हम जाएंगे? कब जाएंगे? तब तो हम सब मारे जाएंगे। अब फेंगो के मुँह ज़ीब्रा का खून लग चुका है, वो एक को मारकर रुक थोड़े ही जाएगा। मतलब नहीं जाएंगे, यहीं पर रुकेंगे। अरे वाह, मैंने जादुई तालाब देख लिया, मजा आ गया। ये तालाब तुम्हारे नाम खुम्बा, तुम सचमुच एकदम अनोखे हो। वाह खुम्बा वाह, हो रहा है जादू का एहसास। आ गई सांस का एहसास। अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? आ गया, हमारी खोज पूरी हुई। ये सब किसे देख रहे हैं? ये कौन है? स्वागत है यिंग्स एनिमल सेंचुरी में। हम लोग दक्षिण अफ्रीका की सबसे खास प्रजाति हैं, और हम सब ने पनाह ले रखी है इंसान के बनाए हुए कुदरती तालाब में, और यहाँ पैंगो का कोई डर नहीं। तो यहाँ आप लोग बिना डरे अफ्रीका का पूरा मजा लीजिए। तो हम आप सबका यहाँ पर स्वागत करते हैं। मैं इसमें पीपी कर दूँ क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत करना, ये हमारे पीने का पानी है। अरे वाह, इसकी खाल देखो, इसका नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम। आप कौन हैं? आपकी धारियां धुल गई क्या? क्या बात है, ये अलग तरह का है। अलग तरह का होने में कोई बुराई है क्या? नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं यहाँ अपनी प्रजाति का सिर्फ एक ही सदस्य हूँ, और शायद आप भी अकेले अकेले ही हैं। ये आपको बहुत प्यार करेंगे। चलो बेटा, बस हुआ, बहुत हुआ। लेकिन अलग तरह का होने का नुकसान भी है, सब लोग आपसे कुछ न कुछ चाहते हैं, सही कहा ना? देखो, शो ठीक शाम 5 बजे है, तो अगर खाना चाहिए तो कैमरे के सामने कमाल दिखाइए, लेकिन सही समय पर आइए। आपका शुक्रिया, लेकिन हमें तो जाना है। ओह अच्छा, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। वाह बढ़िया, हाँ यहीं पर, बहुत अच्छे। बस बस यहीं पर। ओ, 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 ओ,
काश मेरे साथी ये सब देख पाते। वो जो हर साल ऑस्ट्रिच फार्म में मुझसे बिछड़ जाते हैं और पता नहीं किस किस के पेट में समा जाते हैं। ब्रैडली, मरने के बाद भी वो लोगों की भूख मिटाते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, आपकी बात सही होगी। अब चलो ब्रैडली, हमें जाना है। हे, मुफ्त की मसाज मिल रही है, थोड़ा रुक नहीं सकते? मामा वी, इस तालाब तक फैंगो नहीं आ सकता, डरो मत। लेकिन ये जादुई तालाब नहीं है। जादुई? लेकिन किसी ज़ीब्रा को और कितने जादू की जरूरत है? हमें उन तीन चोटियों की तरफ बढ़ते रहना होगा। उस तरफ या उस तरफ या फिर उस तरफ, उस तरफ, उस तरफ या उस तरफ, उस तरफ, उस तरफ। मैं हिम्मत नहीं हारने वाला। मैं जानता हूँ तुम बड़े हिम्मत वाले हो। मुझे पता है वो जगह मौजूद है। अरे ये रास्ता तो बताओ। रुको तो, सब लोग इधर देखिए, अब तस्वीरें खींचेंगे। खड़े हो जाओ बेटे। मेरी गर्दन में दर्द है, मुझे सुसु करना है। तुम्हें भी जाना है? नहीं, अभी नहीं जाना। रुको, शायद कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो मुझे क्या बताने वाले थे? क्या तुमने नक्शा पहचान लिया? मुझे बताओ तो सही। ओहो, हेलो जी, हेलो, मेरा फोटो लो। आओ, ब्रैडली। tunes.pk.blogspot.com ब्रैडली, तुम ठीक हो? ठीक नहीं, ठीक ठाक हूँ। बचो, जल्दी जान बचाकर भागो। भागो। वो, मामा भी। भागो, वो तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। इसे भी बचाना है। अब देखो इस खरगोश का कमाल, कैसे मचाता है ये धमाल। ये रास्ता सिर्फ एक ही को पता है, क्रैक्स को। हिम्मत है तो ढूंढो ब्लैक ईगल को। यहाँ आमतौर पर ऐसी मारामारी नहीं होती। आप यहाँ रुकना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, रुकिए। मैं एक मिनट नहीं रुकूंगी। चलो इस ज़ू से दूर चले। हम एक नियम बनाएंगे, फोटो जितनी मर्जी ले जाओ लेकिन ज़ेब्रों को नहीं। अब मेरे डैड को कौन समझाए कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। बाहर फैंगो का डर है लेकिन हालात तो अच्छे हैं। मैं भी यहाँ रुकना नहीं चाहता।
मेरे लिए अब यहाँ कुछ नहीं है। मैं भी खुम्बा को मिस करती हूँ। अगर मैं भी उसकी तरह बहादुर होती तो यहाँ से चली जाती। तुम सही कह रही हो टोम्बी, इस बाढ़ के अंदर छिपे हुए बहुत समय बीत गया। हम सभी रात मुझे बहुत ही कमाल का सपना आया। हर तरफ कैमरे थे और एक कमाल के तालाब पर मैं एक शो का स्टार था। फिर तुम दोनों ने मुझे पकड़ा और खींच कर वहां से उठाकर यहाँ पटक दिया। मम्मा भी, कहीं हम उस चीज को पीछे तो नहीं छोड़ा है जिसकी तलाश हम कर रहे हैं हमेशा से? ये जब बेहोश था तभी ठीक था। जो सुना वो सही सुना या ये सपना था? वैसे सपना होता क्या है? असलियत क्या होती है? क्या जिंदगी एक बड़ा सा मंच होता है या ये सब? ब्रैडली अपनी बकबक बंद करो। सुनो, बहुत हुआ, और अब पीछे मत देखना, सिर्फ आगे देखना, समझे? हमें तो ये भी नहीं पता कि आगे क्या है, पीछे की बात तो छोड़ो, हम तो ये भी नहीं जानते कि हम जा कहाँ रहे हैं। ब्लैक ईगल जानता है। और हम ये इसलिए जानते हैं क्योंकि वो आसमान में उड़ता रहता है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, क्योंकि मैं उड़ नहीं सकता। अच्छा तो बताओ, इस बेमतलब की खोज को कौन कौन बंद करना चाहता है? तुम दोनों साथ साथ रहो, मैं आगे जाता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तभी तो तुम्हें हमारे यहाँ से गिरने का शानदार नजारा दिखेगा। तुम हर चीज को लेकर इतना ड्रामा क्यों करते हो? क्यों ना करूँ, ड्रामा कोई हर रोज थोड़ी ना करने मिलता है। ब्रैडली, ध्यान से। फिक्र मत करो, हम तुमसे यही मिलेंगे। देखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम दोनों को मार दूंगी। बहुत ध्यान से खुम्बा। और ब्रैडली, तुम जरा कम बोलो तो अच्छा होगा। सॉरी मम्मा भी, आवाज नहीं आ रही। मौत की घाटी में कदम रखने की हिम्मत किसने की? ऐसा है, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, वरना उस उड़ती हुई मुसीबत को झेलना पड़ेगा। हम तो बस यहाँ ब्लैक ईगल को देखने आए हैं। देखो, ब्लैक ईगल को कोई नहीं देख सकता। क्या मतलब? ब्लैक ईगल को कोई देख नहीं सकता क्या? उसका तो नाम भी मत लेना। खरगोश ने ये बात तो नहीं बताई थी। ओके ओके ओके, समझ गए, दोबारा उसका नाम नहीं लेंगे। वैसे खुम्बा, ये ताल मजेदार है। ये पत्थर तो पवित्र है, इसे हाथ मत लगाना। ए, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे कहीं पटकते ले जा रहे हो क्या? मैं आ रहा हूँ ब्रैडली। देखो, मैं एक शुतुरमुर्ग हूँ, मैं पंख नहीं फैला सकता। ऐसे इतना मत सताओ, इसने कोई गाली नहीं। ब्लैक ईगल, ब्रैडली, तुम्हारी फ्लाइट कैसी रही? मारे गए। मुझ ब्लैक ईगल को परेशान करने की हिम्मत किसने की? ऊपर आओ। अब मरोगे तुम। अब मरोगे।
थाबो, ये समय है आपसी मतभेद बुलाने का। प्लीज डैडी, इनकी बात मान लीजिए। हम जा रहे हैं, उम्मीद है आप सब भी आएंगे। झुंड को हम दोनों की जरूरत है। कोई भी ताकतवर ब्लैक ईगल से नजरें मिलाकर जिंदा नहीं बचा। लेकिन ऐसा क्यों है? तुम यहाँ क्यों आए? खुद कुदरत के इस कमाल को देखने? मैं अकेला सफेद ब्लैक ईगल हूँ। अरे मैं भटक गया हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? जवाब दो। क्योंकि जब तक मुझे जादुई तालाब और मेरी धारियाँ नहीं मिलेंगी, ज़ेब्रों को बारिश नहीं मिलेगी। क्या ये बात सच है? जाओ। देखिए, मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मैं बाकी सबसे अलग नहीं दिखना चाहता, और शायद आप मेरे एहसास को समझ सकते हैं। जादुई तालाब वाली जगह गांव माउंटेन में है। मुझसे मिलने ज्यादा मेहमान नहीं आते हैं। यहां से गांव माउंटेन तक जाने के लिए तुम्हें पहले वीरान घाटी से और फिर सुनसान फार्म से गुजरना होगा। खारे मैदान से आगे जाओ, वहां तुम्हें मिलेगा जादुई तालाब, फैंगो की गुफा। फैंगो? एक वक्त था जब उसे उसके झुंड ने निकाल दिया था। जन्म से उसकी एक आंख खराब थी और उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया था। उसे मालूम नहीं था कि एक आंख खराब होने की वजह से उसके सूंघने की ताकत किसी भी तेंदुए से बेहतर हो जाएगी, और बड़ा होकर वो एक बहुत ही शानदार शिकारी बनेगा। उसने अपना नाम बदल लिया, लेकिन शायद इतने से ही उसका मन नहीं भरा, इसलिए वो जान लेता रहता है। बेशक सब आपसे डरते रहे, लेकिन उससे अपने बदलाव थोड़े ही आता है। अब मुझे अकेला छोड़ दो। लगता है आज रात का खाना देर से मिलेगा। कुंभा को यहाँ से क्यों जाना पड़ा? तुम कुंभा के जाने की असली वजह जानना चाहते हो? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो अपनी तरह का अकेला है, और ऐसा ही मैं हूँ। ये साबित करने के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं। हम सबका संबंध कुंभा से है, तो मेरा साथ कौन देगा? आजादी। ये हुई ना बात, यही बात तो मेरे मन में भी थी। आ जाओ बच्चों। तालाब मिल सकता है। बहुत बढ़िया, सब साथ चलते रहिए। आ जाइए। हम जा रहे हैं। बेकार की बातें मत बताओ। इस बात असली में जाएंगे ना? हम जा रहे हैं। हम यहाँ से जा रहे हैं। हम जा रहे हैं। चलो, समझ गए। मुंह बंद रखो और चलते रहो नाइजल। कहीं मेरे डोले पहले से बड़े तो नहीं हो गए? कितने वर्षों बाद हम बाहर निकले हैं। मैं कितना बड़ा पागल था। तुम्हें ये बात अब समझ में आई है? चलो जल्दी जल्दी चलो, साथ साथ चलो, हमें चोटियों की तरफ जाना है। पता है, ये अच्छा हुआ कि टॉम भी मुझ पर नहीं गई। तुमसे तेज तो मेरी दादी चलती है। चलो ना, जल्दी चलो। मेरी बहुत अच्छे, शाबाश। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ब्लैक ईगल असल में सफेद है? लो, और तुम सोचते हो कि सिर्फ तुम ही परेशान हो।
मैं तुम दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ। ये जगह तो खतरनाक है, चलो चलते रहते हैं। अच्छा, ईगल ने तुमसे इसी रास्ते पर जाने को कहा था? हाँ, उसने वीरान घाटी से होकर जाने को कहा था। कौन सी घाटी? वीरान घाटी। क्या नाम है, वाह वाह, शानदार नाम है। क्योंकि पूरे करू की खाक छानने के बाद, दुनिया का सबसे अच्छा तालाब छोड़ने के बाद, मौत की घाटी में उन बावले चूहों से जान बचाने के बाद, उस जादुई कहलाने वाले तालाब के रास्ते में एड़िया घिसने के बाद, अब भला वीरान घाटी से बढ़िया और कौन सी जगह मिलने की उम्मीद थी? कोई और जगह है तो वो भी बता दो। याद करता हूँ। बुरा ना माना तो मैं कुछ कहूँ? जरूर। ओह, देखो खेत आ गया। और अगर खेत आ गया तो फिर ये नाउ माउंटेन होना चाहिए। चलो खेत में आराम करते हैं, वहीं बात कर लेंगे। तुम्हें लगता है यहाँ पर शुतुरमुर्ग होंगे? कोई भूत बंगला लग रहा है। हेलो, कोई है? काफी डरावना है। तुम कोई मदद क्यों नहीं करते? बोलो बोलो, क्या मदद करूं? हाँ, चलो मामावी, पानी पी लो। घुसपैठिए आ गए। निकल जाओ मेरे खेत से, निकल जाओ मेरे खेत से, पता नहीं कहां से आ गए। चोर चोर, हमें पानी चाहिए मैडम। ये पानी मेरा है। अपने बारे में क्या ख्याल है? रूका, ये मेमना तो बावला हो गया। ये तो खुम्बा के पीछे गया है ब्रैगी। मेरे बच्चे, जाओ पहाड़ की तरफ बढ़ो। कोई पागल ही होगा जो उधर जाएगा। मामा भी, ब्राटी, गेट बंद करके आना। ओ, तुम्हें मार देगा, वो तुम्हें मार देगा। ओ, खुम्बा, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। तो ज़ीब्रा को खाने में बड़ा मजा आएगा। हाँ, सचमुच उसे ज़ीब्रा को खाने में बहुत मजा आएगा। खुम्बा, किसकी बात हो रही है? उसने तो मेरे पति को भी खा लिया था, है ना? ये क्या बकवास कर रही है? फैंगो, फैंगो, तालाब उसी की गुफा में है। अब हम क्या करें? हम तो तुम्हारी धारियों के चक्कर में इस जादुई तालाब को ढूंढने यहाँ चले आए। और ये मुझे पागल कह रहे हैं। मेरी आंखों के सामने उसने मेरी बच्ची को मारा था। आपका इसमें कोई दोष नहीं। मैं उसे बचा नहीं पाई। माफ करना, मुझे तुम दोनों को इसमें नहीं फंसाना चाहिए। अगर मुझसे गलती ना होती तो वो जिंदा होती। वैसे भी भला फैंगो को कैसे रोक लेती? उसे कोई नहीं रोक सकता। मैंने तो इस जैसा अजीब कोई देखा ही नहीं। ये आखिर है क्या? शायद इसे खुद भी नहीं पता होगा कि ये है क्या। अब क्या तुम्हें पता तुम क्या हो? बताओ ना, तुम क्या हो? बिना धारियों वाला ज़ीब्रा? इस पर धारियां नहीं है। धारियां कब होगी? यहाँ क्यों आए? मैंने तो इस जैसा अजीब कोई नहीं देखा। मुझे लगा तुम उनके जैसे नहीं हो। Oh,
ठीक होगा। वो इतना पागल नहीं कि फैंगो का सामना अकेला करेगा, है ना? चलो हमें लौट कर उसे ढूंढना चाहिए। मुझे तो पूरा यकीन है कि खुम्बा अचानक कहीं से नजर आएगा और हमें हैरान कर देगा। कहाँ है वो? मम्मा भी, भाग लो भाग लो। चलो 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 चलो। भागने से कोई फायदा नहीं, हमें अपनी जान बचानी होगी। जल्दी से भागो। बताओ वो कहाँ है? हमें अपनी जान बचानी होगी, जल्दी भागो। तुम दाईं तरफ क्यों नहीं जाते? इस तरफ नहीं, दूसरी तरफ। चलो चलो चलो। बेवकूफ कहेंगे। कहाँ है वो? वो तुम्हारे साथ ही था। बोल रहे हो? अजीब बात है, क्योंकि वो तो तुम्हारे पास आ रहा था और उसे हमारा साथ छोड़े काफी वक्त हो गया है। जानता हूँ वो कहाँ होगा। हमें खुम्बा को बताना होगा। फिर चाहे फैंगो हमें मार ही क्यों ना डाले, शायद वापस लौटना ही आगे बढ़ने का अकेला तरीका है। अब हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? उफ, कुछ समझ नहीं आ रहा। छोड़ो भी, अब आगे हम साथ साथ रहेंगे। इस खारे मैदान में बहुत सी आत्माएं भटकती हैं। आ मेरे साथ, ये जगह किसी ज़ीब्रा के लिए नहीं है। ज़ीब्रा? मुझे तो यहाँ कोई ज़ीब्रा नहीं दिख रहा। बात से काम चल जाएगा। बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर खुल के सांस भी ले सकता हूँ। मेरी नाक एकदम साफ हो गई है, अब मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। डैडी, एकदम साफ नाक। ये बारिश के बादल है ना? लगते तो ऐसे ही है। ओके ओके, सब बच्चे साथ में रहना। माइग्रेट कर रहे हो? ये तो मुझे पता नहीं, पर हम खुम्बा के पीछे जा रहे हैं। हा? मेरा बेटा, तुमने उसे देखा है? वो जिंदा है। तुम्हारे हिसाब से हम एनगांव माउंटेन क्यों जा रहे हैं? वहाँ तो फैंगो है ना। मैं आगे जा रहा हूँ, सब लोग बनी के पीछे आओ। क्या बनी? अगर ये बनी है तो क्या मैं गधा नजर आ रहा हूँ जो हर कहीं धूल उड़ाता फिर रहा है? बारिश आ गई, अब मुझे अपनी धारियाँ मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ वो पाँच से ज्यादा हो। सकता है कोई और चीज वहां तुम्हारा इंतजार कर रही हो। अकेले बन में भी कितना मजा है, अच्छा लग रहा है। खुश बैठिए, हे फ्रिकी, ये एक सिद्धांत वाले एक दूसरे को पहचानते कैसे होंगे? मुझे नहीं पता कैप्टन, अगर ये ज्यादा हरे चारागाह की तरफ जा रहे हैं तो चलो चलते हैं। ये बताओ, कहीं तुम्हें बुढ़ापे और अकेलेपन का एहसास तो नहीं हो रहा है? चुप रहो, मेरी बात सुनो। मुझे सब पता है कि तुम क्या सोच रही हो।
देखो मैं भेड़ की खाल में भेड़िया नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे मिल जाओ तो मैं भेड़िया खाना बना सकता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि बढ़िया खाना। तुम्हारे झुंड के बाकी कुत्ते का हम में मन मुटाव हो गया, वो मेरी टैलेंट से जलते हैं। मेरी सोच भी आम भेड़ों जैसी नहीं है। ये कौन है? कुछ ऐसा ही बताया था। ओ, कुछ ज्यादा हो गया ना? तो वो बदमाश है कहाँ? वो अंदर है। अब मैं उसे देखती हूँ। आपकी थोड़ी मदद कर दूँ मैं? हम झुंड में एक साथ कहीं जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम एक बड़ा सा परिवार है। हटो रास्ते से। ये कौन ऐसे नहीं जानता मैं। इन दारियों की वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। बच्चों सब साथ रहना। आज जीव आ रहे हैं, हट जाओ। जॉम्बी। खुम्बा का कुछ पता चला? वो वहाँ है, वहाँ पहुँचने का रास्ता ढूंढना होगा। ये तो मामूली आग है, हम इसे आसानी से पार करेंगे। ये तो काफी गर्म है। ओके ओके, सब साथ रहना बच्चों। अरे पंसी, ये गंध कैसी है, जैसे मांस जल रहा हो। सब ठीक हो जाएगा जॉम्बी। हाँ, ये बहुत हिम्मती है। क्या खुम्बा वाकई अंदर है? कम ऑन खुम्बा, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। तो यहाँ हो तुम, अब तुम्हारी दावत उड़ाऊंगा। सबके शरीर पर धारियां थी। लेकिन फिर वो सब एक से दिखने लगे। लेकिन तुम सब जैसे नहीं हो, है ना? उन्हें देखकर अब मुझे जोश नहीं आता। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये लिखा था कि आदिधारियों वाला एक ज़ीब्रा पैदा होगा और हम में से एक तेंदुए को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाएगा, इसलिए मैंने अपने कुंबे को मार दिया ताकि सिर्फ मैं तुम्हें खा सकूं। धीरे धीरे खाऊंगा। एक
बार में एक धारी खाऊंगा। ऐसे आधे ज़ेब्रा हो जो मुझे पूरा करोगे। तुम जो हो वैसे ही रहोगे फ्रैंगो। ये जानने का एक ही तरीका है। देखो ये क्या हो रहा है। मुझे जान बचाकर भागना चाहिए। नहीं फौरन भागो भागो। देखो देखो ये फट रहा है। क्या फट रहा है? आखिर ये आ कहां से रहा है? ओ ये तो फैंगो है। कुंबा अरे देखो हो रहा है। कुंबा अब तो मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मारकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा फैंगो। खाकर तो हासिल होगा। बहादुर वो मर गया क्या? वो बच भी सकता है। नहीं वो तो गया। मैं तो बहुत डर गई थी।
ये जिंदा है, खुम्बा जिंदा है। हाँ, वो जिंदा है। आखिर दोस्त किसका है? मुझ जैसे बहादुर का। शुक्र है तुम बच गए। मुझे लगा मैं तुम्हें भी गवा बैठा। आज मेरी खुशी का जवाब नहीं, आज तो बारिश भी हो रही है। उसने कमाल कर दिया। सही कहा तुमने मेरी बेटी। मजा आ गया, बारिश भी हो गई, धुआं भी आ गया। हमारे अच्छे दिन आ गए। इन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, है ना? तो मैं मान लूं कि हम फिर से दोस्त बन गए? मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हूँ। तुम ठीक हो ना? वाह, तेरा ताज़ा हो गया, मज़ा आ गया। हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ और सबको ठीक देखना चाहता हूँ। सुनहरे दिन फिर लौट आए। चलो खेले टॉम्बी। हाँ बिल्कुल। लड़की हूँ तो मुझे कमजोर समझते हो? तुम बॉल पर अपनी नजरें नहीं रख सकती? बहुत बढ़िया खुम्बा। मैं फिरता हूँ इनसे। चलो पैर और ऊपर उठाओ। लो मैं आई। ध्यान से घोड़ा, वरना हम हार जाएंगे। सब बच्चे आ जाओ। इन्हें यहीं बैठने दो, मैं इनके लिए एक नया गाना पेश करता हूँ। म्यूजिक बॉयज। अच्छा पास दिया नाइजर। शाबाश शाबाश दोस्त। ये मारो नाइजर। बहुत बढ़िया। ये गोल है, बॉल बाहर थी। बॉल तो अंदर ही थी। अंदर थी क्या बाहर? ये तो गोल है। कुछ चीजें बदलती तो है, लेकिन हमेशा वैसे नहीं जैसे हम उम्मीद करते हैं। और अगर सही दिशा में कोशिश की जाए तो बात बनती है।